जुहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि पतरातू में PVUNL गेट के सामने विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा द्वारा दिनांक 2 सितंबर से चलने वाले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दौरान पतरातू विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा एवं PVUNL प्रबंधन तथा प्रशासन के बीच चल रहे वार्ता के विफल होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को 3 सितंबर के शाम को हटाया गया। वार्ता में SDO रामगढ़ कृति, अंचलाधिकारी पतरातू निर्भय कुमार, PVUNL प्रबंधन के पदाधिकारी CO सुदर्शन चक्रवर्ती, PK विश्वास, कुंतल मजुमदार, TK कुमार और मोर्चा के तरफ से अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद, कुमेल उराव, किशोर कुमार महतो, रोशन लाल चौधरी, शिवलाल महतो शामिल थे। ACDPO प्रकाश चंद्र महतो, सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी दुर्गा शंकर मंडल, विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के द्वारा अपने मांगों को लेकर दिनांक 2/9/2020 PVUNL गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने एवं दिनांक 4/9/2020 को PVUNL के सभी गेट जाम कर सभी कर्मियों एवं सामग्रियों को प्लांट के अंदर एवं बाहर जाने में रुकावट उत्पन्न करने का कार्यक्रम के मद्देनजर निषेधाज्ञा दिनांक 3 सितंबर से लगा दिया गया है। रांची ऑब्जर्वर से लगातार जुड़े रहने के लिए रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है। रांची ऑब्जर्वर के संवाददाता से संपर्क कर आप अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करावें। आपकी समस्या के समाधान की दिशा में यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। हम आपके समस्या समाधान में सदैव आपके साथ हैं। आपकी आवाज को हम बुलंद करेंगे। जो विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के साथ जो पुलिस प्रशासन जो लाठी चार्ज किया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभावित विस्थापित संघर्ष मोर्चा पतरातू के द्वारा जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। उसके पूरे रामगढ़ जिला भाजपा को मैं कड़ा से निंदा करता हूँ इसको, और ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि जनता की आवाज़ के कुचलने का प्रयास है, और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ सड़क से संसद तक का इसका आंदोलन करेगी। और इसमें एक पूरे सांसद के विचार भी है, और हम लोग पूरे जिले के भाजपा इस आंदोलन संघर्ष मोर्चा के साथ हैं, खड़े हैं, और इसका आवाज़ हम लोग बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। और प्रबंधन जो सोच रहे कि हम लोग दमनकारी नीति अपना करके इसको जो कुचल रहे हैं, वो सफल नहीं होगी। इसके धीरे धीरे हम लोग सारा पर्दाफाश को उजागर करेंगे, नीचे से ऊपर तक हम लिख करके सारा चीज़ मंगा करके हमको इस आंदोलन को आगे तेज करना है। बोलिए, प्रवीण मेहता, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ जिला।